हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। एडमिशन ऑफ पार्टनर का ये क्वेश्चन है हमारे पास और सीबीएसई ने इसे अपने सैंपल पेपर में दिया हुआ था 2020 में। आइए जी, तो क्वेश्चन को एक बार गिवन पार्ट रीड कर लें, बुक से हमारे पास जो है, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है एग्जैक्ट, और फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। तो क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन अ रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी हमारे पास दो पार्टनर हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन ने दी है 3:2। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप विद 1/5 शेयर। उन्होंने सी का एडमिशन किया है पार्टनरशिप में और उसे कितना शेयर मिलेगा? 1/5 शेयर मिलेगा इन द फर्म और इन द प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। जो उसने एक्वायर किया है, सी ने ये शेयर जो 1/5 है वो इक्वली लिया है। इक्वली यानी 1/5 का 50% ए से और 1/5 का 50% बी से एक्वायर किया है। नाउ आगे क्वेश्चन कहता है, अकाउंटेंट हैज कैलकुलेटेड, फर्म अकाउंटेंट जो होगा उसने कैलकुलेट किया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 5:3:2। तो अकाउंटेंट ने कैलकुलेट किया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, ठीक है। नाउ इज अकाउंटेंट करेक्ट, क्या आपका अकाउंटेंट करेक्ट है या नहीं है ये हमें चेक करना है। तो हमें कुछ नहीं करना, हम अपने हिसाब से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के देख लेते हैं। अगर सेम आएगा तो अकाउंटेंट करेक्ट है, अगर सेम नहीं आ रहा तो अकाउंटेंट सही नहीं है जी। आइए चलिए मेरे साथ सॉल्यूशन पर। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारे पास ओल्ड शेयर गिवन है, ठीक है, पार्टनर्स हैं ए बी और सी नया पार्टनर है। अगर बात करें ओल्ड रेशियो की तो ओल्ड रेशियो है 3:5, 2:5 और जो नया पार्टनर है उसके तो ओल्ड में कोई हिस्सा नहीं है, जीरो है उसके पास। तो आइए अब इसमें एडजस्टमेंट करें। एडजस्टमेंट क्वेश्चन ने क्या बोला है, किसने कैसे शेयर दिया है। हम क्वेश्चन कहता है कि जो सी है उसे 1/5 हिस्सा मिलेगा, 1/5 हिस्सा मिलेगा फर्म में, जो कि ए और बी आधा आधा देंगे उसको, ठीक है। यानी अगर बात करें ए के पास हिस्सा फिलहाल कितना है, 3/5, उसमें से ए कितना दे रहा है, ए कहता है मैं 1/5 जो शेयर है सी का उसका आधा यानी 1/2 दूंगा। ऐसे ही बी कहता है भाई मेरा हिस्सा है 2/5, मैं भी सी का जो हिस्सा है 1/5 उसका आधा दूंगा उसको, ठीक है। चलिए आई होप ये लैंग्वेज क्लियर है, आइए फर्दर सॉल्व कर लें, ठीक है। हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी 1/10, 2/5 माइनस 1/10, और यहां तो ये 1/5 है ही, इसमें तो कुछ चेंज आया नहीं है। आइए फर्दर सॉल्व करें इसको, एलसीएम ले लेते हैं 10, तो ये आ गया 6 - 1, 6 - 1 आया तो 5 आ गया। इधर भी एलसीएम 10 ले लो तो ये 2 से गुना 2 4, 4 - 1 3, और यहां जो है सभी का डिनोमिनेटर 10 है दोनों का, तो इसका भी 10 बनाए डिनोमिनेटर ताकि कंपैरिजन हो पाए। देखिए तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और रेशियो आ जाएगी 2/10, ठीक है। तो नई रेशियो आपके सामने आ गई है जी, न्यू पीएसआर, ठीक है, न्यू पीएसआर आप कह सकते हैं। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 5:3:2, ये हमने कैलकुलेट किया है जी, ठीक है। अब मैच कर लो इसको, सेम है, सो आप कह सकते हैं सो अकाउंटेंट इज करेक्ट, क्या कह सकते हैं आप, अकाउंटेंट जो है वो करेक्ट है, उसने सही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट की है पार्टनर्स की, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, ठीक है, सीबीएसई ने सैंपल पेपर में दिया हुआ था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करा दिया। चलिए जी तो आगे चलेंगे, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए पहले।